पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आए विजयपुर, बोले राम हमारी कड़कड़ में। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने नए सीएम को बताया पुजारी। खबर विजयपुर से है, जहां गुरुवार को कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उपनेता हेमंत कटारे विजयपुर दौरे पर आए। जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा की डबल इंजन सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के इंजन में दिल्ली का इंजन धक्का देता है, तब कुछ निर्णय हो पाते हैं। जो नेता सीएम की रेस में थे उन्हें ठिकाने लगा दिया, मामा को घर बैठा दिया और नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर सभी को आशीर्वाद देने की जिम्मेदारी दे दी। वहीं कैलाश विजयवर्गीय तो इंदौर, तो प्रहलाद पटेल को नर्मदा किनारे बैठा दिया और मुख्यमंत्री के पद पर मोहन यादव के रूप में एक मंदिर का पुजारी बना दिया है, जो बेरोजगार, महंगाई, शिक्षा और अन्य जरूरी मुद्दों को छोड़कर सिर्फ मंदिर और धर्म की बातें करते हैं। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपने वचनों में लाडली बहनों को 3,000 रुपये देने की बात की थी और गेहूं का मूल्य 2,700 और गैस सिलेंडर 450 रुपये में देने की बात कही थी। अब वादा पूरा नहीं कर रही है बीजेपी ने। चुनाव के समय प्रदेश की बहनों को झूठे सपने दिखाकर गुमराह किया है। अब हम इन्हें इनके वादे याद दिलाएंगे और लोकसभा चुनाव में हमारे प्रदेश की बहनें बीजेपी को सबक सिखाएंगी। राम मंदिर की बात पर जीतू पटवारी बोले, राम हमारे कड़कड़ में है। 22 तारीख के बाद कांग्रेस के 1,00,000 कार्यकर्ता दर्शन के लिए जाएंगे। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उनका स्वागत करें और उनके साथ जो जो मुख्यमंत्री की दौड़ में थे पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। शिवराज मामा घर चले गए, नरेंद्र सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष बना दिया, दादा बेटो सबको आशीर्वाद। कैलाश विजयवर्गीय जी इंदौर हो गए, प्रहलाद पटेल जी नर्मदा किनारे पहुंच गए और एक नए मंदिर के पुजारी मोहन यादव जी बन गए। इसलिए बोल रहा हूं पुजारी कि वो सिर्फ धर्म मंदिर की बात के अलावा कोई बात नहीं करते। जब उनका पहला भाषण हुआ विधानसभा में, तो जब हम विधायकों ने मांग करी कि भाई किसानों को खाद कब मिलेगी समय पे, 24 घंटे किसान को गांव में बिजली कैसे मिलेगी, 12 घंटे बिजली कैसे मिलेगी, 450 रुपये का आपका सिलेंडर कैसे मिलेगा, लाडली बहना को 3,000 कैसे मिलेंगे, धान की खरीदी 3,000 में कैसे होगी, कोई जवाब नहीं। बात कर रहे थे विक्रमादित्य की, बात कर रहे थे महाकाल की कि महाकाल लोग बनाया, हमने ये करा वो करा। अरे भैया इतनी अगर आपको मंदिर की बात करनी है तो बन जाओ मंदिर के पुजारी, क्यों मुख्यमंत्री बनके बैठे हो। तो मैं मानता हूँ कि महंगाई अद्भुत है, अकल्पनीय है, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा भारत विकसित भारत है। ये विकसित भारत जरूर है, पर उन 15% लोगों के लिए जिनके पास देश की 80% संपत्ति, और उन 80% लोगों के पास जिनके पास सिर्फ 15% संपत्ति है, वो दुखी है, महंगाई की मार में जूझ रहे हैं, परिवार परेशान है, बच्चे बेरोजगार है, इलाज का अभाव है,
और कैसा देश बना है? क्या कारण है? आपने कहा था 3,000 बहनों के खाते में डालेंगे, आज तक नहीं डाले। अभी 10 तारीख को कल 1,250 रुपए दिए, वोट तो ले लिए। अगर आपने बहन को बरगला के शिवराज सिंह जी ने बड़े बड़े पांडाल लगा के हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन दे के लंबे स्टेज लगा के चलते हुए माइक से बात करके बहनों के दिलों में घर किया और उनसे वोट लिए, 3,000 की बात की, तो अब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो ये मोहन भैया जिनकी बात उमंग भैया कर रहे थे, ये बात नहीं मानते। अरे आपने 3100 की धान की बात की, चोरी दे रहे हो, चोरी कर रहे हो, क्या डर है आपको? 2700 रुपए गेहूँ, 450 का गैस सिलेंडर, कहा था ना हमने 450 का गैस सिलेंडर? तो हमारा दायित्व है कांग्रेस पार्टी का, लोकतंत्र में हमारी जिम्मेवारी है कि हमें विपक्ष की भूमिका निभाई मिली है। हम वैसा ही जैसा सदन में राम निवास जी, उमंग जी, हेमंत जी, दोनों मेरे पंकज उपाध्याय और देवेंद्र सारे झंडे साहब, ये विधायकों की ड्यूटी है कि अंदर वो सरकार को चैन से नहीं रहने दे, और बाहर हमारी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है कि हम सड़क पे इनको चैन से नहीं रहने दे। करता हूँ कि आपका सम्मान, आपका कोई काम हो या आपका बाबू भाई जंडेल आपके लिए तैयार है। दोनों तो भाई आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आज लोकतंत्र को खतरा है, मोटा भाई ने एमएम भी खराब कर दिया और लोगों का दिमाग भी खराब कर दिया, वो धर्म को भी खत्म कर दिया, और आज अंग्रेजों से भी बेहतर जिंदगी आदमी जी रहे हैं। इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हमारा नाना पाटेकर जीतू पटवारी आ चुका है। मैं चाहता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में हमको विश्वास था कि इस बार कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन किन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी ने जनमत को किस तरह से लूटा है ये आप सबको मालूम है। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और शिवपुर ऐसे जिले हैं जिनमें दोनों सीटें शिवपुर की और छिंदवाड़ा की आपने यहाँ से बिता के दी, आदरणीय राम निवास रावत और बाबू झंडेल जी के रूप में। आदरणीय मैं जीतू पटवारी जी से कहना चाहूंगा कि वो जोश से भरे हुए नेता है, लोकप्रियता उनकी पूरे प्रदेश के अंदर है। निश्चित रूप से नए युवाओं को नए जोश के साथ जीतू पटवारी जी पूरे मध्य प्रदेश में लोकसभा में पूरी ताकत के साथ आगे लाएंगे और इस मध्य प्रदेश के अंदर उनके नेतृत्व में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। ज्यादातर लोग आप जो आप फैलाए सरकार के आगे घूमते रहेंगे। मेरा तो आप ये निवेदन है कि आप लोगों से अपील करता हूँ कि आपने मुझे जिताया, किसी तरह से लोकसभा में जिसे भी टिकट मिले उसको जिताने का काम करेंगे। करेगा, पर हमें हमेशा से इस बात की हमारे मन में भावना है कि राजनीतिक लाभ होने में धर्म और आस्था का विषय नहीं, आस्था व्यक्तिगत है। 1,00,000 से ज़्यादा कांग्रेस का कार्यकर्ता मंदिर पूर्ण होने पर दर्शन करने 100% जाएगा और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। तो क्या प्रोग्राम की वृत्ति है? ये हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश का मुखिया जो अध्यक्ष जीतू भाई बने, बनने के बाद में पूरे प्रदेश में इनका दौरा हो रहा है। हमारा जीतू भाई का अगला उद्देश्य है कि लोकसभा को अधिक से अधिक सीटें जीता के दिल्ली उगाना है, और जो हमारा पराजित हुई पार्टी 23 का विधानसभा चुनाव में, इसकी समीक्षा करके संगठन को मध्य प्रदेश में मजबूत बनाएंगे और लोकसभा की पार्लियामेंट मुरैना श्योपुर को जीता के हम कांग्रेस की सीट को जीता के दिल्ली पुगाएंगे। ये मेन उद्देश्य संगठन। आज जो विजयपुर में नवनियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी आए, क्या प्रोग्राम था, क्या क्या कर गए? आज पहली बार प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे नए बने हुए हैं, एक तो पूरा युवा जोश है उनमें, सभी युवा पूरे प्रदेश के ही हमेशा से चाहते थे एक युवा प्रतिनिधित्व मिले, जो कि हमें मिला और उन्होंने उसी को बिल्कुल तुरंत ही सब जगह इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी किया, धरातल पर भी लाए कि हर विधानसभा में जाने का उन्होंने फैसला लिया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। विजयपुर भी पहुँचे, विजयपुर में हम सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ में उनका स्वागत किया और वो हमें बिल्कुल लोकसभा के लिए पूरी तैयारी को लेकर मार्गदर्शन देकर गए हैं और निरंतर पार्टी की गतिविधियाँ विपक्ष की पूरी भूमिका निभाकर लोगों के हक के लिए लड़ाई चलती रहेगी। मंदिर पे ना जाने से क्या मतलब संदेश है, क्या संदेश देना चाहती है इससे? देखिए, मैं आपको बता दूं
कांग्रेस पार्टी उसकी जो विचारधारा है वह बिल्कुल सब चीजें धर्म के हिसाब से नियम के हिसाब से करने पर विश्वास रखती है। जब कांग्रेस पार्टी ने यह देखा कि धर्म से ऊपर उठकर भाजपा अपने आप को धर्म का जो प्रचार प्रसार कर रही है, हमारे जो चारों मठाधीश हैं शंकराचार्य हैं जिनकी अहम भूमिका पूरे भारत देश में धर्म को बचाने की उसका प्रचार प्रसार करने की है, उनका सबसे पहला हक और दायित्व बनता है कि वह इतनी बड़े आयोजन में आकर ऐसे प्राण प्रतिष्ठा वाले वो भी राम भगवान के जिनके सदियों से सब लोग कामना कर रहे हैं कि विराजें, उसमें जब धर्म के ही मुखिया अगर भाजपा ने नहीं बुलाए हैं और उन्होंने जब मना कर दिया है क्योंकि वह खुलकर कह रहे हैं, वह लोग खुलकर कह रहे हैं कि मोदी जी केवल चुनाव को देखते हुए समय से पहले ही इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने पर उतार हुए, जिसमें उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना उन्होंने धर्मगुरुओं से बात करी, ना उनको इन्विटेशन दिया, उनको बुलाना चाहा, तो सभी ने निश्चित तौर पर मना किया है कि ऐसे काम में जो कि अधूरा है हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो जब सब मुखिया जो होते हैं धर्मगुरु नहीं जा रहे हैं तो बाकी लोगों ने भी यही फैसला लिया कि इनका कहना बिल्कुल सही है, इन्हीं के चलते रास्ते पर हम इनके पीछे खड़े हुए हैं। किसी को राम मंदिर में जाने से दिक्कत नहीं है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से दिक्कत नहीं है, मगर जिस गलत तरीके से वह लोग बिना धर्म का अच्छे से पालन करते हुए इस काम को करने पर चुनावी तौर पर उतार हुए, उस चीज से सभी लोगों को दिक्कत है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे देश का हर एक हिंदू क्यों ना हो। बीजेपी ने एक अपनी घोषणा में कहा था कि लाडली बहना के पैसे 3,000 कर दिए जाएंगे, इस बार जो 10 तारीख को है 1,250 रुपए मोदी सरकार द्वारा डाले गए हैं और 1.5 लाख बहनों के तो डाले ही नहीं गए हैं, जो 1.5 लाख बहनें प्रदेश में हैं, क्या कहते हैं इन बात में? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, यह लोग बिल्कुल झूठ बोलकर केवल वोट खरीदने का काम करते हैं। यह योजना कल तत्काल प्रभाव से ही बंद हो चुकी होती और उन्होंने ऐसा प्रयास भी किया, सबसे पहले उन्होंने के जो लाभ ले लाभप्रद हैं किसी न किसी रूप में उन लाडली बहनाओं को कट किया जाए, इसका आदेश उन्होंने निकाला, तो उसी में ही काफ़ी महिलाएं उस श्रेणी से बाहर हो गई। उनको दिखा कि इस चीज़ से विरोध महिलाओं में बहुत ज़्यादा उठा, तो उन्होंने सोचा अभी लोकसभा चुनाव है तो 3-4 महीने और इस चीज़ को हम लोग खींचते हैं। निश्चित तौर पर जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होगा और इनकी सरकार बनती है तो यह निश्चित तौर पर लाडली बहना योजना बंद कर देंगे, इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल लिखित में भी दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें गरीबों से कोई मतलब नहीं है, सारी योजनाएं वो बंद करके केवल अमीरों की जेब में रुपया डाल रहे हैं।